हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मशीन में नीडल को कैसे फिक्स किया जाता है और कैसे थ्रेडिंग करके मशीन में नीचे की बॉबिन से धागा ऊपर कैसे लेके आते हैं। उसके लिए ये हमारी मशीन है। यहाँ पर हम नीडल लगाएंगे इस तरह, देखिएगा ऐसे, ठीक है। ये नीडल की जो फिक्सिंग पिन है और ये हमारी नीडल है, ठीक है। मशीन की इस स्विंग मशीन में जो निडल होती है वो एक साइड से प्लेन और एक साइड से राउंडिंग होती है। ये हिस्सा प्लेन है, ये देखिएगा, ये हिस्सा प्लेन है और इसको मैं रोटेट करके दिखा रही हूँ तो ये हिस्सा राउंड वाला है। तो हम पहले यहाँ से इसको थोड़ा सा लूज कर देंगे, ऐसे यहाँ से ऐसे हल्का सा इस पिन को लूज करेंगे। और लूज क्या, मैं इसको निकाल के ही बता देती हूँ। ऐसे करके इसको निकाल देते हैं हाथ से, यूं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर इस साइड जो है प्लेन, हमें एक एरिया नज़र आ रहा है, प्लेन एरिया नज़र आ रहा है। तो जो ये नीडल का जो प्लेन वाला हिस्सा होता है वो उसके साथ फिक्स होना चाहिए, प्लेन के साथ। अगर आप रोटेट वाला उसके साथ फिक्स करोगे तो नीडल फिक्स नहीं होगी और दूसरा आपका जो मशीन में टांका है वो भी सही तरीके से नहीं पकड़ेगा। तो जो ये प्लेन हिस्सा है, मैं इस प्लेन हिस्से के साथ ऐसे फिक्स करके इसके अंदर से ये नीडल को, इसको ऐसे करके नीडल इसके अंदर से ये डाल करके और इसको यहाँ पर हम ऐसे फिक्स करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको दिखाती हूँ। ये जो यहाँ की प्लेन वाला हिस्सा था उसको हमने इसके साथ फिक्स किया और ये नीडल को, ये जो नीडल की जो पिन है इसको इसके ऊपर चढ़ा करके इसको थोड़ा सा हम हाथ से टाइट कर देते हैं और इसको जो है फिर पेंचकस से ज़्यादा टाइट किया जाता है। और इसको सही लगी है या नहीं लगी है उसके लिए हमारा जो ये नीडल का जो थ्रेड डालने वाला हिस्सा है ये हमारा बिल्कुल ऐसे इसके साथ ऐसे दिखाई देना चाहिए, मतलब यहाँ से दिखाई देना चाहिए। इधर हमारी जो है थ्रेड का जो डालने वाली जो होल है वो हमें ऐसे दिखाई देनी चाहिए। और इस सुई में इधर एक साइड जो है थोड़ा सा रफ एरिया होता है और दूसरी साइड प्लेन एरिया होता है। तो प्लेन एरिया हमारा इस मशीन की तरफ होना चाहिए और रफ एरिया इधर बाहर की साइड होना चाहिए। तो इस प्रकार ये हमारी नीडल बिल्कुल फिक्स लग जाती है। इसको जो है फिर पेचकस से ऐसे इधर से टाइट कर दिया जाता है। इस नीडल के यहाँ पर ऊपर एक छोटी सी पिन होती है, ये वाली सुई उस पिन को टच करनी चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा ऊपर लोगे तो नीचे का धागा जो है इस सुई के साथ नहीं आएगा। तो वो पिन को टच करके हम इस नीडल को इतना ऊंचा यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। यहाँ से पेंचकस से इसको टाइट कर दिया जाता है। इस तरह ये लग जाती है हमारी नीडल। इसका रफ वाला हिस्सा इधर होना चाहिए, मतलब इस साइड, और प्लेन वाला सुई का हिस्सा इधर होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट नीडल लग गई है। अब मैं इस मशीन की थ्रेडिंग और नीचे से बॉबिन का धागा ऊपर कैसे लेके आते हैं वो आपको बताती हूँ। ये हमारा थ्रेड है। अब हम इस थ्रेड को यहाँ रखेंगे। इसके बाद इसको ये रोटेट करके, कईयों में ये सीधा होता है, इस मशीन में ये ऐसे रोटेशन वाला है, तो इसको यूँ रोटेट करके ऐसे डालेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ से ऐसे डालेंगे और उसके बाद हम इस को, अगर यहाँ से थोड़ा सा धागा निकल गया तो इसको कैंची से काट के इस थ्रेड को इस होल में डालेंगे, ऐसे इस होल में ऐसे डालेंगे, ऐसे। उसके बाद यहाँ एक ऐसे होता है तो इसको ऐसे हम डाल देंगे, कईयों में ये ऐसे करके सुई इसके बीच में डालते हैं। उसके बाद हम इस निडल में इस थ्रेड को डालेंगे। थ्रेड को डालने के लिए हम इधर से ऐसे डालते हैं इसको, यहाँ से ऐसे, और ये इस तरह यहाँ से निडल में डाल दिया जाएगा थ्रेड, इस प्रकार। फिर हम इस धागे को ऐसे पकड़ लेते हैं एक बार, और एक बार इस जो हमारा ये व्हील है इसको रोटेट करेंगे तो ये सुई नीचे जाएगी और ऐसे करके ये बॉबिन का नीचे वाला धागा ऊपर आ जाएगा, ये देखिएगा ऐसे,
और इसको हम फिक्स करके पीछे ले जाते हैं। ये हो गया हमारा बॉबिन थ्रेडिंग कैसे करते हैं और नीचे से बॉबिन का धागा कैसे ऊपर आता है और सुई को किस तरह से फिक्स किया जाता है। ये सब करने के बाद जो है हम एक कपड़ा लेंगे, रफ कपड़ा, और इसको हम चला के देखेंगे मशीन को कि क्या हमारी ये सुई सही फिक्स हुई है या नहीं। ऐसे लगाएंगे और इसको ऐसे चला के हम इस मशीन को चेक करेंगे। अगर हमारी नीचे की टेंशन, नीचे का बॉबिन का धागा और ऊपर का धागा बिल्कुल ऐसे जो है सही सिलाई दे रहा है आगे और पीछे से, तो ये हमारी सारा जो हमारी फिक्सिंग है, हमारा थ्रेडिंग है, सब ठीक ठाक है। इलेक्ट्रिक मशीन में जो है धागा अलग प्रकार से भरा जाता है, उसकी जो है थ्रेडिंग भी थोड़ी अलग प्रकार से होती है। ये हो गया हमारा सारा सुई फिक्सिंग, थ्रेडिंग और बॉबिन टेंशन में से धागा ऊपर कैसे लेके आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई तकनीक या एक नई कटिंग नए तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।